तो लेट अस स्टार्ट विद लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया. देखो ये अब जो है ना, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ द यू नो मोस्ट आई कैन से ये ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. ठीक है, आपके GS 3 में भी देर इज़ अ GS 3, मतलब आपका जो मेंस का जो टॉपिक है उसके अंदर जो है लैंड यूज़ पैटर्न्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला हो गया, या फिर आपके एग्रीकल्चरल पैटर्न्स होंगे. एग्रीकल्चर के एक पूरा यू नो सेगमेंट है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मार्क्स का आपका GS 3 कम्प्लीटली आता है, राइट. तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, एंड अभी हम क्या कर सकते हैं. किस अगर हमारा पैटर्न जो है सपोज उस ऑब्वियसली उसमें अंदर परफेक्ट तो है नहीं, उसमें बहुत सारी खामियाँ होंगी, तो हमें उसको इम्प्रूव तो करना होगा, राइट. तो जो लैंड यूज चेंजेस हैं इन इंडिया, इसमें क्या है. देखो क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारे इंडिया में व्हेन इट कम्स टू द एग्रीकल्चर वाला थिंग. अगर मैं एक छोटा सा उसका जिस्ट देना चाहूँ विद इन फ्यू मिनट्स, आई जस्ट वुड लाइक टू यू नो गिव यू द जिस्ट. हमारा जो एग्रीकल्चर है, देखो अभी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है दैट वी आर एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, राइट. अगर आप अपना GDP देखेंगे, राइट, तो GDP में यू विल बी नोटिसिंग दैट ओनली, राइट, ओनली 18 to 20% ए जो आपका GDP है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से आता है. ठीक है, बाकी आपका टर्शरी सेक्टर और आपका सेकेंडरी सेक्टर से आता है. ठीक है, अब आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो टर्शरी सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% है. ठीक है, और मोर देन 50% इसको हम एक बार डाल लेते हैं. तो जब वो टर्शरी सेक्टर है, बिकॉज आई एम नॉट आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स एज ऑफ नाउ, सो जो टर्शरी सेक्टर होता है वो मोर देन 50% है. ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक US को देखेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि यार ये तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है ना. लेकिन ऐसा क्यों है कि इंडिया इंडिया में जो है टर्शरी सेक्टर होने के बाद भी कि भाई मोर देन 50% लोगों को वो जॉब्स दे रहा है, या हमारा GDP इधर से आ रहा है, मोर देन 50% को जॉब्स नहीं दे रहा, सॉरी, मोर देन 50% GDP इधर से आ रहा है, तो ऐसा क्यों है कि इंडिया को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोला जाता है. ऐसा इसलिए है बिकॉज मोर देन 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इट डजेंट मैटर कि उनका GDP जो है वो हमारा यहाँ पर इतना आ रहा है, बट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ वेरी यू नो क्या बोल सकते हैं, वल्नरेबल सिचुएशन बोल सकते हैं या क्रिटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं कि भाई देखो GDP तो सिर्फ 20% आ रहा है एग्रीकल्चर से, बट एम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक मोर देन 55%. इसका मतलब हमें कितना ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, अपने फार्मर्स के लिए, सो दैट एक्चुअली वी कैन सी अ बून इन यू नो इन आर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज़ होगी. ठीक है, दूसरी बात अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ये जो है इसमें इन्होंने एक जो चीज़ बताई है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, ये है कि आपकी जो इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं, राइट, दीज आर द थ्री सेक्टर्स, तो जिस तरीके से बाकी सारे सेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, राइट, बट एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं हो रहा. मतलब अगर आइडियली देखा जाए तो अगर GDP दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रही है, टर्शरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो रही है, तो लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो भी तो शिफ्ट होनी चाहिए ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही फंसे हुए हैं. अब आप ये सोचो कि लैंड्स भी उनके पास कम हो गए, क्योंकि पहले तो लैंड्स उनके पास ज़्यादा अवेलेबल थे, बट नाउ दोज लैंड्स आर शिफ्टेड टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि लैंड्स भी लिमिटेड है. लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. अगर आज तुम्हारे पास 4 एकड़ है, ठीक है, तुम खरीद लो, वो एक अलग बात है. अगर देश के पास इतनी ज़मीन है तो वो इतनी ही रहेगी ना. ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वो लैंड्स को आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, तो लैंड्स तो और भी लिमिटेड रिसोर्स हो गया ना. यानी कि क्या हो रहा है कि उस लिमिटेड रिसोर्स पे ही बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. यानी कि अगर लेट्स से 100 एकर्स है, ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेंगे, 100 एकर्स में लेट्स से 55% पॉपुलेशन काम कर रही है. अभी अभी क्या हो गया, 20 एकड़ जो है वहाँ पे फैक्ट्री डल गई, ठीक है, फैक्ट्री डल गई, तो बचे कितने, 80 80 एकर्स में भी स्टिल 55% पीपल आर वर्किंग. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यू नो क्रिटिकल सा अपना इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये शो करता है कि दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ फॉर अस. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ स्टेप्स, फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू नो राइट फ्रॉम यू नो प्रोडक्शन सेक्टर टू द प्रोसेसिंग सेक्टर टू द
मार्केटिंग सेक्टर टू द ट्रेडिंग सेक्टर, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल ई नैम हो गया, ठीक है, आपका मार्केटिंग के लिए आपका ई नैम हो गया, ठीक है. फिर उसके बाद फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, जहाँ पर उनको जो है दिया जा रहा है. फिर उसके बाद आपके ऑनलाइन डिजिटल मंडीज होगी. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, राइट, जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो भी मैंने पढ़ा है, सो दैट यू आर एबल टू कंसोलिडेट कॉन्सेप्ट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो आपकी किताब में दिया हुआ है आप उतना ही पढ़ रहे हो. यू शुड बी अवेयर वट आर द चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट. अब क्या होता है यहाँ पर, हाँ, तो देखो साइज ऑफ द इकोनॉमी, ये मैंने वही बताया कि आपकी ये सेम पॉइंट है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, उनको ज़्यादा लैंड्स चाहिएंगे. एज अ रिजल्ट प्रेशर ऑन लैंड इज बीइंग इंक्रीजिंग, ठीक है ना. अब जैसे मान लो आपने सुना होगा कि जैसे मान लो जमीन पर आपने घर बना लिया, ठीक है, आपने अपना घर बेच दिया, जो भी मतलब जो भी आपको मिला था आपने जमीन पर घर बना लिया, यानी कि प्रेशर ऑन लैंड इज बिंग इंक्रीजिंग. आप उसको उगा नहीं रहे हो, आपने वहाँ पे घर बना लिया. यस, सपोज अभी मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया था, हाईवे जा रहा है, लैंड्स ले लिए, वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, शोरूम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है. तो क्या मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द लैंड्स ये जो है आपका प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है. उसके बाद है द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी वुड अंडरगो अ चेंज ओवर टाइम. यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो फास्टर ग्रो होते हैं देन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. तो ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में हो रहा है. सो वॉट इज हैपनिंग कि द चेंजेस आर सो शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज. द एग्रीकल्चर लैंड इज बींग यूज फॉर बिल्डिंग पर्पजेज, क्योंकि हमें ज़रूरत है फॉर द लैंड्स, दैट इज़ वाई इट इज़ बींग शिफ्टेड टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. एंड वॉट इज़ द बिगेस्ट रीजन, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. देखो कॉमन सेंस है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा रहने को मकान चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा फैक्ट्रीज चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन रोड्स पे आएंगी, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा रोड्स बनेंगी, ज़्यादा खाना चाहिए खाने को, लेकिन खाने के लिए लैंड्स कम हो गए हैं. क्यों? क्योंकि लैंड इज बिंग डाइवर्टेड टू द अदर सेक्टर्स. तो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन इफ यू मेक सच कनेक्शंस. थर्डली दो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिड्यूसेज ओवर टाइम, द प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लाइन. सो ये वही वाली बात हुई कि आपका GDP जो GDP था, ठीक है, एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, और आज जो है, ठीक है, इन 2022, वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP रिड्यूस हो गया टाइम के साथ साथ. लेकिन क्या प्रेशर ऑन लैंड रिड्यूस हुआ है? नहीं, यानी प्रेशर ऑफ लैंड तो बढ़ा है, ठीक है. इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर्ड टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर्स शेयर इन GDP. अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है. इस लाइन का सिंपल सादा सीधा सादा ये मतलब है कि देखो जो पॉपुलेशन, अगर यही मैंने आपको यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो आपके टेर्शरी सेक्टर ज़्यादा GDP दे पा रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वह एम्प्लॉयमेंट भी इतना परसेंट क्यों नहीं है, ठीक है. या फिर प्राइमरी सेक्टर जो है वो 20% GDP अगर टारगेट है हमारा, अभी प्रेजेंटली 18% ऑफ द GDP है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो 55% ही दे रहा है. तो यही बात वो बोलने की कोशिश कर रहा है. यूजुअली इट हैपेंस विद द डेवलपिंग कंट्रीज कि जो आपका डिपेंडेंसी इन एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, बट जो सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टरल जो GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही फास्ट तरीके से डिक्लाइन होगा. तो ये मैंने समझाने के लिए आपके लिए टेबल बनाई कि अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंसी, सो व्हाट वाज हैपनिंग कि आपका जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसको बहुत ही, आई डोंट नो, आपको GDP के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए, इट इज़ इन योर क्लास 12th इकोनॉमिक्स. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, GDP आप एक बिल्कुल 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 नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो इट इज़ द टोटल आउटपुट, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है. आपका टोटल आउटपुट कह लो, टोटल प्रोडक्ट कह लो, या ये कह लो हमने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, या वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मैंने जो भी प्रोड्यूस किया अगर मैं उसका वैल्यू कर दूँ तो वो आपका GDP आ जाता है, ठीक है. तो हम इसको बिल्कुल एक ऐसे सोचते हैं कि लेट्स से इंडिपेंडेंस के वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो 50 रुपीज़ कमा के दे रही थी आपको,
ठीक है, ₹50 कमा के दे रही थी, बाकी ₹50 आ रहे थे आपके सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शियरी सेक्टर से। ठीक है जी, अब क्या हो रहा है, अब अगर वो ₹50 कमा के दे रही थी तो वो ना 85% पॉपुलेशन थी उसके अंदर, यानी कि वो ₹50 कमा के दे रही है और 85% एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो 85% लोग, लेट्स से 100 ही लोग हैं, ठीक है, ये और भी इजी कर देते हैं, लेट्स से देश में 100 ही लोग हैं, अभी 85 लोग ना यहाँ काम कर रहे हैं और वो आपको ₹50 कमा के दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कि आपका ना लेट्स से 100 ही है GDP, लेट्स से एक कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे तो 18% यानी कि ₹18 कमा के दे रहे हैं, वो भी 55%। मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा वो क्या कहते हैं आप, नंबर्स अगर आप देखेंगे कि 55 लोग सिर्फ ₹18 कमा के दे रहे हैं, और ड्यूरिंग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 85 लोग ₹50 कमा के दे रहे हैं। तो यही लाइन इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जिस तरीके से ये जो डिक्लाइन हुआ है ना GDP में, देखो 50 कमा के दे रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी 18 है, उस तरीके से ना एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऐसा नहीं डिक्लाइन हुआ कि भाई ये वाली जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में नहीं गई। सो आई थिंक मैं ये 2 या 3 बार समझा चुकी हूँ और अब तक के दिस हैज़ टू बी क्लियर। देन कम्स द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब देखो यूजुअली आप एक नॉर्मल देखेंगे कि फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनना चाहता, ठीक है, वो या तो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज हो जाता है या टर्शरी सेक्टर में एंगेज होगा या पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल, ठीक है, पीपल हु आर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, पहली बात तो उनके पास लैंड्स कम है बट पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है एंड दैट पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो स्लोली यू नो डाइवर्टिंग। अगर उनके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली दे वॉन्ट टू गो आउट, तो उनको ज़्यादा लोगों को फीड करना है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बट लिमिटेड लैंड रिसोर्स, बट लिमिटेड लैंड रिसोर्स। अब ये वाली जो टेबल है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। इसमें आपके जो भी हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फॉरेक्स, ठीक है, फेलो लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स या नेट जोन एरिया जिसको हम बोलेंगे, फिर उसके बाद आपका बैरन लैंड्स, ये सब आ गए, ठीक है, वो इन कंपेरिजन टू दी और नेट जोन एरिया क्या चेंजेस आए, क्यों चेंजेस आए। अब देखो सीधी बात है, ये टेबल आपसे कोई नहीं पूछेगा, सेकेंडली ना ही आपको ये फैक्ट्स याद करने हैं, ठीक है, यू जस्ट आपको क्या करना है, आपको इस टेबल को एनालाइज करना है, ठीक है, और जो नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा हो रही है या ये ज़्यादा हो रही है या ये कम हो रही है या ये ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, दे आर गोइंग टू टेल यू द रीजन्स दैट वाई इट इज़ हैपनिंग, बट आपको ये रीजन्स जानने क्यों है, बिकॉज यू नीड टू नो योर इंडिया, यू नीड टू नो योर इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो यू नीड टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि फॉरेस्ट कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं या फिर नेट जोन एरिया इंक्रीज हो रहा है या फिर कल्चरेबल जो लैंड है या बैरन वेस्ट लैंड है वो कम क्यों हो रहा है, क्या इसलिए कम हो रहा है कि एक्चुअल में वो कम है, इसलिए कम हो रहा है दैट इट इज़ बीइंग पुट टू द अदर यूजेस, या इसलिए कम हो रहा है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लगा के जो यू नो बैरन लैंड्स को भी अच्छा बनाया जा रहा है ना। तो ये रीजंस जो हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एंड दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस होगा, व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग, हाउ यू नो इंक्रीज, ठीक है, और क्यों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, क्यों चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके बाद देर इज़ एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया, मतलब किस तरीके से एग्रीकल्चर का मतलब जो लैंड यूज़ है वो इंडिया के अंदर कैसा है, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, एंड यहाँ अपना जो है ना, यहाँ पे ये अपना जो टॉपिक है बेसिकली अबाउट लैंड एंड लैंड यूज़ रिसोर्सेज, इंडिया का पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इजी इजी चीज़ें स्टार्ट होगी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो अबाउट वेरियस सीजन्स, है ना, उस रीजन्स में क्या उगाया जाता है, ठीक है, और वो उसको भी हम ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लॉजिकली याद करेंगे, ठीक है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो आफ्टर ऑल एट द एंड कुछ चीज़ें आपको यू हैव टू क्रैम इट राइट, बट हम इसको जब लॉजिकली याद करेंगे तो 90% चीज़ें आसान हो जाती हैं, 10% फिर आपको क्रैमिंग करनी ही पड़ती है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ बिटर ट्रूथ,
व्हेन आई एंटर्ड इन यूपीएससी आई थॉट कि क्रैमिंग की यहाँ पे जगह नहीं होगी, सिर्फ हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. एक साल बाद समझ में आ गया कि क्रैमिंग तो करनी ही है, ठीक है. बट एक होता है ना गंदे वाली क्रैमिंग, और एक होता है अंडरस्टैंड के साथ क्रैमिंग, देयर इज अ डिफरेंस. तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड के साथ क्रैमिंग करनी पड़ेगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि अगर मान लो आपको ये पता करना है कि भाई चलो आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है. अब ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपका जो है जा रहा है आपका 23.5 डिग्री, ठीक है. सॉरी ये इंडिया होगा, सॉरी ये अर्थ हो गया. And this is the equator, this is Tropic of Cancer, this is Tropic of Capricorn. ठीक है, I took India गलती से. तो हम अर्थ है, ठीक है. तो मुझे पता है ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं, मुझे पता है ये सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं. लेकिन अगर आप इंडिया का देखेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ से जो लाइन गुजर रही है, ठीक है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. अब तो मुझे ये पता है कि नीचे इक्वेटर है, तो फिर यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाले जो एरिया है वो कौन सा एरिया होगा? डेफिनेटली ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है. 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, 9th क्लास की एनसीईआरटी है ये, 11th क्लास की एनसीईआरटी है ये. और ऊपर वाला जो एरिया होगा वो सब ट्रॉपिकल एरिया होगा, या फिर मैं बोलूँ टेम्परेट एरिया होगा, ठीक है. तो अब लॉजिकली मुझे ये चीज़ याद समझ में आएगी कि अगर ये वाला एरिया थोड़ा सा वार्म है या ये वाला एरिया थोड़ा सा कोल्ड होता है ना 6 महीने के अंदर, या 4-5 मंथ्स, तो किस तरीके के यहाँ पर हमें मुझे क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे, राइट. या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं यहाँ पे, अगर वो ट्रॉपिकल की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब मैं उसको राबी में भी मतलब पूरे साल उगा सकती हूँ. राबी खारिफ को मैं अभी छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको समझाना है, लेकिन इसका मतलब मैं कुछ ऐसी क्रॉप्स जिसको वार्म क्लाइमेट चाहिए तो मैं यहाँ पर पूरा इसको यहाँ पर पूरे साल उगा सकती हूँ ना. लेकिन यहाँ पर अगर 6-7 महीने ही गर्मी रहती है, अगर सर्दी वहाँ पर नहीं रहती है, इसका मतलब वो वाली क्रॉप मैं साल में एक ही बार उगा सकती हूँ. तो इससे हमें रटने नहीं पड़ेगा कि यार कौन सी ट्रॉपिकल क्रॉप है, कौन सी सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, कौन सी राबी क्रॉप है, कौन सी खारिफ क्रॉप है, क्यों ऐसा है, ठीक है. देखो कॉमन सेंस लगेगी यहाँ पे बस, और कुछ नहीं लगेगा. खारिफ क्रॉप्स क्या होती है? राइस होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बारिश चाहिए होती है, ठीक है, तो जुलाई के महीने में उगा दो उसको, ठीक है. तो जुलाई के महीने में उगा दो, हम फिर क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे सभी क्रॉप्स की, ठीक है, कि कौन सी क्रॉप्स है और कौन सा जो है स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इसको उगाता है, इंडिया का क्या इसमें रोल है व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड, ठीक है. क्योंकि थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है. पहला रीज़न मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आया हुआ था अबाउट इन्होंने टी के बारे में पूछ लिया था कि जो स्टेट्स हैं मेजर 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है. तो अगर आप 2-3 स्टेट्स मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पढ़ लेंगे हर क्रॉप की तो इट वुड बी ईजी, ठीक है. आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. दूसरा स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द ये वाली क्रॉप्स जो है राबी है ये खारिफ है, तो वो आपको बस याद करनी होगी, ठीक है, इस तरीके से. ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्टेड टू मैंशन, येस, ऑयल सीड्स. तो क्यों हमें जानना है कि इंडिया का क्या पोर्शन है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट आती थी पहले कि भाई देखो हम तो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशियंट है ऑयल सीड्स के अंदर, बट ऐसा है नहीं, ठीक है. हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली आपका पाम ऑयल वगैरह ये सब हो गया. तो इसीलिए हमें इन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा एनालिटिकल वे में पढ़ना है और फैक्चुअल वे में भी पढ़ना है. हम जब पहली रीडिंग करेंगे विल मेक श्योर कि हम सारे एंगल्स को कवर करेंगे. अगर वो टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो रहा है, आई नो कभी एक बार आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, दैट्स आई थिंक ये अभी गया जैसे, लेकिन आउट ऑफ द वे आई कैन से नॉट बॉक्स, तो बट इट्स फॉर योर ओन गुड, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ें तो इस तरीके से पढ़ें कि सारे एंगल्स लें. लेकिन जब आप सेकेंड टाइम इस चीज़ को पढ़ो तो इफ़ यू आर इन क्लास 12 एंड यू हैव टू गिव CBSE, तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से उसको पढ़ेंगे कि अब मुझे सिर्फ अपने एग्ज़ाम उस तरीके से पढ़ना है, मुझे UPSC के हिसाब से नहीं पढ़ना, मुझे अपने एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से पढ़ना है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.